आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज़। मिर्जापुर में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्याम सुंदर शुक्ला ने पत्रकार वार्ता कर अपनी जीत का दावा किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मिर्जापुर नगर निकाय चुनाव में जो भी पार्टी या निर्दल प्रत्याशी लड़ रहा है वह बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य से चुनाव लड़ रही है। मिर्जापुर शहर में नालियां टूटी हुई हैं, गड्ढायुक्त सड़क, स्वच्छ पानी, प्रकाश व बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई जैसी तमाम व्यवस्था के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपना मुद्दा बनाया है। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। मिर्जापुर बहुत बड़ा जिला होने के बावजूद भी आज तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है। किसी की भी सरकार रही हो, मैं नहीं कह रहा हूं, आपको याद होगा कि बहन मायावती जी की सरकार 1997 में जब आई थी तो उस समय मंडल, जो जिला मंडल होता है, कमिश्नरी जिसको कहते हैं, वो बहन मायावती जी के कार्यकाल में हुआ। उसके बाद कांशीराम आवास वगैरह योजना जो भी पास हुआ, नगर को स्वच्छ करने के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, सड़कों के बारे में, जो बहन मायावती के कार्यकाल में किया गया, उसके बाद आज तक कुछ किया नहीं गया। कहते लोग हैं कि मैंने किया, लेकिन है नहीं। आप नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं, जी सर, नगर पालिका बात करिए, क्या प्रमुख मुद्दे हैं आपके चुनाव में? नगर पालिका में जो मुद्दा है, जो प्रमुख मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है नाली की समस्या है। आप जहां भी जाइए देखिए कि नाली का पानी सड़कों पर बह रहा है। मिर्जापुर में तालाबों की संख्या बहुत है, तालाब के किनारे के जितने लोग हैं, तालाबों से इतनी बदबू आ रही है कि वहां जीना दुश्वार हो गया है। चाहे वह किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, कोई भी हो, अगर वो तालाब के किनारे है तो तालाब की गंदगी से मैं समझता हूं कि बीमारी वहां से उपजती है, पैदा होती है। क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? हमारी प्राथमिकता है कि मिर्जापुर को स्वच्छ बनाया जाए। मिर्जापुर में गली कूचे जितने भी हैं सब अच्छे से रहें, साफ सफाई की व्यवस्था की जाए, कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाए ताकि मच्छरों से लोग बचें, और उसको क्या कहते हैं आप, ये बताइए किस पार्टी से आपकी लड़ाई है? मेरी लड़ाई मैं नहीं समझता कि किसी पार्टी से है, जो भी लड़ रहा है मुझसे लड़ रहा है, मैं किसी से नहीं लड़ रहा। आप ये मानते हैं? मैं ये मानता ही नहीं हूँ, मैं नहीं मानता। मेरे मतदाता इस तरह से मुझे आशीर्वाद दिए हैं कि उन्होंने मानने के लिए बाध्य कर दिया है, लोगों को भी, सारे प्रत्याशियों को बाध्य कर दिया है कि मैं, मुझसे जो भी लड़ रहा है मुझसे लड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4-4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद प्राप्त मिर्जापुर नगर पालिका परिषद से, जो बहुत अच्छे सरल स्वभाव श्री श्याम सुंदर शुक्ला जी को नगर पालिका परिषद मिर्जापुर का प्रत्याशी बनाया गया है, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपको आशीर्वाद दिया है और कहा कि आपको जीत करके आना है। और मैं देख रहा हूँ गांव में, एक एक वार्ड में अभी खुद घूम करके आ रहा हूँ, और मैं देखा हूँ कि जिस तरह मिर्जापुर नगर पालिका में जिस तरह नाली, खड़िंजा, पानी जिस तरह बजबजा रहा है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं वादा करता हूँ और आपकी तरफ से भी कि हमारा अगर बहुजन समाज पार्टी का चेयरमैन जीतता है तो जो गरीब लोग हैं, सौर समाज के लोग हैं, सबको निःशुल्क पानी दिया जाएगा, नालियों की सफाई होगी, जो भी मूल सुविधाएं हैं सारी जो है सौर समाज के लोगों को जो है उपलब्ध कराया जाएगा। भाजपा तो अपने बड़े बड़े उनके लीडर निकले हैं प्रचार में, आप लोगों का कहां कोई है? आप लोगों को चुनाव में जीत नहीं देते? बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा से कार्यकर्ता इनके मंत्री पे भारी है, और रही बात इसकी प्रचार प्रसार की, कोई इनकी सुनने वाला है? कहीं आपको भीड़ दिखाई दे रही है? अभी कानपुर में ब्राह्मण समाज की माँ बेटी घर के अंदर सो रहे थे, इनका बुलडोजर किनके ऊपर चल रहा है? गरीबों के ऊपर चल रहा है। ब्राह्मण समाज की माँ बेटी की हत्या हो गई, इसका कौन जिम्मेदार है? सरकार के लोग जिम्मेदार हैं, योगी जी जिम्मेदार हैं, इनके खिलाफ FIR होना चाहिए। एक खुशी दुबे
शादी होकर के आती हैं और रात में उनके आदमी का काउंटर हो जाता है और वो सलाखों के अंदर चली जाती है। जो बहन रात में शादी होकर के आती है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश हुआ, आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी उनका मुकदमा लड़े, वो जेल से बाहर आए, ये अन्य अत्याचार हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सर्जन हिता सर्जन सुखाय के तहत में सर्व समाज लोगों को मान सम्मान दिया गया था। ब्राह्मण समाज के बेटे अंटू मिश्रा जी चुनाव हार गए थे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने साथ कैबिनेट की सफल दिलाने का काम किया था। अब यही प्रयागराज मंडल से दो दो ब्राह्मण समाज के बेटों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में जितनी भी जातियां थी, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, लोहार कुम्हार हो, जो भी उत्तर प्रदेश में जातियां थी, वाल्मीकि हो, निषाद मल्ला हो, सारे समाज को 2007 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने सरकार में कैबिनेट मंत्री बना करके मान सम्मान देने का काम किया था। तो हिंदू मुस्लिम खेल रहे हैं, सारी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए मैदान उतर चुके हैं, सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उतर गए हैं, काम कर रहे हैं, चुनाव लोग, आपकी मायावती जी तो दिख नहीं रहे। बहुजन समाज पार्टी के सारे राष्ट्रीय महासचिव और बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी और हम लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सिपाही हैं। मैं भी 20 साल से पार्टी का काम कर रहा हूं और दो दो तीन तीन मंडल प्रदेश के तमाम जो है जिलों में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमको काम में लगाती हैं और हमारा एक एक कार्यकर्ता मंत्रियों पर भारी है। मैं कह तो रहा हूं कि हमारी सभा देख लीजिए, उनके डिप्टी सीएम और मंत्रियों की सभा देख लीजिए, इनसे हम लोग भारी हैं।